संत कथा है। अपने साथ जो था बालक, उसको कहा बेटा बस भोजन हो गया है, पातल उठा लो। तो बालक ने जब वो पातल उठाई, एक उठाकर जैसे फेंकी तो दूसरी पड़ी थी। नामदेव मुस्कुरा रहे हैं, बालक और बूढ़ी माता दोनों हैरान है कि ये क्या बात है। लगा कि दो एक साथ रह गई होगी, या तो जानबूझ कर दी होगी कि एक पातल से कुछ गिर न जाए। दूसरी उठाई और रखी तो तीसरी पड़ी थी। 1100 पातल निकले एक के बाद एक के बाद, और बूढ़ी रो पड़ी कि बाबा ये क्या है। बोले तेरा संकल्प था ना 1100 को भोजन कराना, एक सदगुरु को खिला दे तेरा संकल्प पूरा। एक महापुरुष को ऐसे पहुंचे हुए सदगुरु को भोजन करना, न जाने कितने भंडारे हो जाते हैं, न जाने कितने लंगर लग जाते हैं, न जाने कितनी 84 हो जाती है, न जाने कितने महात्माओं का और पितरों का तर्पण हो जाता है। ऐसा गुरु होता है अद्वितीय, ऐसा गुरु होता है बेजोड़ बेनमून। इसलिए मेरे बाबा जी गुरु वंदना को स्वतंत्र रूप में रख देते हैं, दोनों ओर किवार लगा दिए दो दो, और बीच में इस परम सौभाग्य को परम रत्न को रखा है। तो आइए वहीं से शुरू करें, इस गुरु वंदना से प्रारंभ करें। बाबा जी बोले वंदे बोधमय, वंदे बोधमय नित्यम